गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज के क्लास में हम लोग जो बात करने वाले हैं, आज का हमारा जो टॉपिक है वो टॉपिक है हेक्साब्लेड। क्या है आज का टॉपिक? हेक्साब्लेड। हेक्साब्लेड आज हम लोग बात करने वाले हैं, ये हमारा आज का टॉपिक है हेक्सो। पिछले क्लास में हम लोग किसके बारे में बात किए थे? हेक्सो फ्रेम के बारे में बात किए थे कि हेक्सो फ्रेम हमारा किस प्रकार से कार्य करता है, हेक्सो फ्रेम जो हमारा कितने टाइप्स के होते हैं, क्या क्या होते हैं, उसके बारे में हम लोग बात कर चुके थे। आज हम लोग जनरली उस हेक्सो में अगर ब्लेड यूज नहीं होगा तो वह कार्य ऑपरेशन नहीं कर सकता। वो जिस कटिंग के लिए हम लोग हेक्सो का प्रयोग करते हैं, इस ब्लेड के बिना वो हेक्सो कार्य ही नहीं कर पाएगा, तो उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। जैसे हेक्सो फ्रेम क्या हो जाता है, ब्लेड को होल्ड करने का काम करता है। जैसे सिर्फ ब्लेड से भी हम कटिंग करना चाहेंगे तो वो कटिंग नहीं कर पाएगा जब तक उसको बाहरी सपोर्ट स्ट्रक्चर बॉडी हम लोग नहीं देंगे, फ्रेम नहीं देंगे, वो कटिंग नहीं कर पाएगा। वो कटिंग तो अपना कार्य करेगा पर हमें कटिंग करने में बहुत कठिनाई का सामना करना पड़ेगा। तो यहाँ पे ब्लेड और फ्रेम दोनों का एक रोल होता है, दोनों अपना अपना रोल पूरा करता है, जिसके माध्यम से कोई भी जॉब, कोई भी मटेरियल को हम लोग दो या दो से अधिक टुकड़ों में आसानी से कटिंग कर सकते हैं। तो आज हम लोग जो जानेंगे उसमें जानेंगे कि उस कटिंग में ब्लेड का क्या रोल होता है, ब्लेड हमारा क्या है, इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं ब्लेड का इंट्रोडक्शन। ब्लेड का परिचय, अब इंट्रोडक्शन जानने से पहले क्या करते हैं हम लोग, ब्लेड किस प्रकार से हमारा दिखता है, हम कोशिश करते हैं चित्र बनाने की जगह पे उसका इमेज को बोर्ड पे ला देते हैं कि ब्लेड हमारा किस प्रकार से दिखता है। तो स्क्रीन पे ब्लेड आ रहा होगा कि ब्लेड हमारा किस प्रकार से दिखता है। अब इसका हम लोग इंट्रोडक्शन देखेंगे और इस ब्लेड को समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो हेक्सा ब्लेड एक प्रकार का क्या होता है, स्टील की पत्ती होती है। क्या होता है हमारा, स्टील की पत्ती होती है। यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि क्या है हमारा, एक पत्ती के तरह ये हमारा दिखता है, जिसके दोनों सिरों में क्या हो रहा है हमारा, एक एक सुराख बना हुआ है। दोनों सिरों में हमारा क्या है, इसमें हॉल बना हुआ है जिसके एक या दो किनारे पर क्या होता है, भी कटे होते हैं। जैसे इसका ऊपर और नीचे दोनों में क्या हो रहा है हमारा, भी कटा हुआ है। क्या है, ऊपरी भाग में भी, किसको मतलब दांत, ब्लेड के ऊपरी सिरे में भी दांत कटे हो सकते हैं, नीचे के भी सिरे में हमारा क्या हो सकता है, दांत कटे हो सकते हैं। ऊपर के सिरे में भी और नीचे के सिरे में भी दांत कटे होते हैं। कार्य के अनुसार ये क्या होता है हमारा, विभिन्न विभिन्न साइज में पाए जाते हैं। क्या होते हैं, विभिन्न साइज में हमारे पाए जाते हैं। तो इंडियन स्टैंडर्ड के अनुसार क्या होता है, हेक्सा ब्लेड हमारा किस साइज में पाया जाता है उसको हम लोग समझेंगे। ये पिक्चर को दिमाग में आ गया होगा, अब थोड़ा सा और डिटेल बोर्ड पे देखते हैं। तो सबसे पहले पिक्चर हम लोग देख लिए थे, पिक्चर अब हम पिक्चर रफली बनाते हैं। कुछ हमारा इस प्रकार से ब्लेड था। ठीक है, हमारा जो हेक्सो ब्लेड था जिसका हम लोग अभी पिक्चर देखे, कुछ हमारा इस प्रकार से था। ठीक है, इसमें हम लोग क्या देखे, दोनों किनारे पे हॉल था हमारा, हॉल दोनों किनारों पे हमारा क्या था, हॉल था। और ये हमारा क्या हो गया, वी शेप में क्या है हमारा, वी शेप में, वी शेप में क्या हमारा, तीस कटा हुआ है। ये हमारा वन साइडेड भी होता है, बोथ साइड भी होता है, मतलब नीचे भी हो सकता है और ऊपर भी हो सकता है, दोनों साइड में भी हमारा ये दांत कटे हो सकते हैं। जहां पे जैसा पर्पस, जैसा ब्लेड होगा उस हिसाब से इसका डिजाइन तैयार किया हुआ रहता है। हम दोनों साइड वाले ब्लेड का भी प्रयोग कर सकते हैं, वन साइडेड टीथ वाले ब्लेड का भी हम लोग कार्य में प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, अब चलते हैं इसका मटेरियल के बारे में हम लोग जानते हैं। इसका इंट्रोडक्शन हम लोग देखेंगे, अब इसका मटेरियल हम लोग देखेंगे। मटेरियल, हेक्सो ब्लेड हमारा किस चीज का बना होता है, हेक्सो ब्लेड हमारा हाई स्पीड स्टील, किस चीज का बना होता है, हाई स्पीड स्टील, हाई
स्पीड, स्टील, हाई स्पीड स्टील, हाई कार्बन स्टील, हाई कार्बन स्टील और दूसरा लो एलॉय स्टील। लो एलॉय स्टील के हमारा क्या होता है, ये बना होता है किस किस चीज का हमारा बना होता है, हाई स्पीड स्टील, हाई कार्बन स्टील और लो एलॉय स्टील, ये तीन मटेरियल से हमारा क्या होता है, ये ब्लेड हमारा बना होता है। जहां पे जैसा वर्क होगा, जैसा मटेरियल का थिकनेस होगा, मटेरियल होगा जैसा हार्डनेस उसका होगा, उस हिसाब से क्या होगा मटेरियल का हम लोग प्रयोग करते हैं। तो क्या होता है मटेरियल में जब हम लोग ब्लेड का निर्माण किया जाता है, तो ये हाई स्पीड स्टील, हाई कार्बन स्टील या फिर एलॉय स्टील का क्या होता है, ब्लेड को तैयार कर लिया जाता है। तैयार करने के बाद उसमें हार्डनिंग हुआ, टेम्परिंग, ब्लेड को क्या करता है हार्डनिंग हुआ, हार्डनिंग हुआ फिर टेम्परिंग, हार्डनिंग हुआ फिर टेम्परिंग ऑपरेशन इसके ऊपर कर दिया जाता है, जिसके कारण क्या होता है जब कटिंग करेंगे तो हार्डनिंग और टेम्परिंग होने के कारण इसके दांत क्या होगा घिसेगा नहीं, और जब कभी मटेरियल का वर्कपीस पे कटिंग करेंगे तो उसका वर्कपीस के साथ ये कभी कभी बॉडी भी कॉन्टेक्ट में आता है, बॉडी भी हमारा घिसे नहीं, वर्कपीस को आसानी से काटते रहे, इसके लिए इसको हाई स्पीड स्टील का, हाई कार्बन स्टील या फिर लो एलॉय स्टील से बना के उसको हार्डनिंग और फिर टेम्परिंग कर दिया जाता है। ठीक है, ये हमारा क्या था इसका मटेरियल। अब चलते हैं इसका हम लोग साइज के बारे में बात करते हैं, साइज या फिर स्पेसिफिकेशन के बारे में बात करने वाले हैं, ब्लेड का स्पेसिफिकेशन। ठीक है, स्पेसिफिकेशन, स्पेसिफिकेशन इसका स्पेसिफिकेशन किस प्रकार से किया जाता है, स्पेसिफिकेशन तो हम लोग इसका पहले फिर से वो जो फर्स्ट पिक्चर जो स्क्रीन पे लाए थे उस पिक्चर को हम लोग क्या करते हैं स्क्रीन पे ले आते हैं, इसका स्पेसिफिकेशन को अच्छी तरह से समझने का कोशिश करते हैं, क्योंकि बिना पिक्चर देखे स्पेसिफिकेशन क्या होगा क्लियर नहीं होगा। तो ये रहा स्क्रीन पे पिक्चर आ गया, उसका स्पेसिफिकेशन हम लोग देखते हैं। तो हेक्सा ब्लेड का क्या हो रहा है स्पेसिफिकेशन जो किया जाता है उसका लंबाई से, लंबाई क्या हो रहा है वहां पे एक साइड किनारे में हॉल दिख रहा होगा, दूसरे साइड किनारे में हॉल दिख रहा होगा, एक हॉल के सेंटर से दूसरे हॉल के सेंटर तक के दूरी को क्या बोलते हैं हम लोग हेक्सा ब्लेड की लंबाई। उसके बाद चौड़ाई, चौड़ाई हमारा क्या हो जाएगा ब्लेड का नीचे जो तीत कटा हुआ इसमें दिख रहा है और ऊपर भाग में जो तीत नहीं कटा हुआ है, तो नीचे और ऊपर तक की दूरी को ही उसको इसका हम लोग क्या बोलते हैं चौड़ाई। उसके बाद इसका मोटाई, मोटाई क्या हो जाएगा थिकनेस, जो सीट प्लेट है उसका थिकनेस को ही हम लोग क्या बोलते हैं इसका थिकनेस मोटाई। अब उसके बाद इसमें हो जाता है पिच, मतलब ब्लेड में जो दांत कटे होते हैं एक दांत से दूसरे दांत के बीच की दूरी को ही हम लोग क्या बोलते हैं पिच। तो किसी भी ब्लेड का स्पेसिफिकेशन हम लोग उसकी लंबाई, चौड़ाई, मोटाई और उसके पिच से हम लोग कर सकते हैं। ठीक है, तो उसका स्पेसिफिकेशन क्या था हम लोग देख लिए। अब ये हेक्सा ब्लेड हमारा किस साइज में पाया जाता है, कौन कौन से साइज में हमारा क्या आता है पाया जाता है। तो ये हेक्सा ब्लेड हमारा जनरली 250 एमएम से लेकर के 300 एमएम तक की चौड़ाई में पाया जाता है। कितना एमएम तक की चौड़ाई में, 250 एमएम से लेकर के 300 एमएम तक की चौड़ाई में हमारा पाया जाता है। उसके बाद इसकी चौड़ाई जो हो जाती है क्या होती है 13 एमएम से लेकर के 16 एमएम तक की चौड़ाई में हमारा पाया जाता है। इसका मोटाई जो हो जाता है हमारा कितना होता है 0.63 या फिर 0.80 एमएम तक इसका क्या होता है मोटाई होता है। इसका पिच जो हो जाता है 0.8 से लेकर के 1.8 एमएम तक के पिच वाले हेक्सा ब्लेड का क्या होता है जनरली प्रयोग में लाया जाता है। ठीक है, क्या होता है
0.8 mm से लेकर के 1.8 mm तक वाले पीच का जनरली हमेशा हेक्सा ब्लेड क्या होता है, प्रयोग में लाया जाता है। अब चलते हैं हम लोग यहाँ पे आज के क्लास में क्या क्या बात किए। हमने आज के क्लास में इसका इंट्रोडक्शन देख लिए, मटेरियल देख लिए, स्पेसिफिकेशन देख लिए, तो और इसके साथ साथ हम लोग अब देखते हैं इसके टाइप्स को देख लेते हैं, हेक्सा ब्लेड के टाइप्स को देखते हैं। टाइप्स ऑफ हेक्सा ब्लेड के बारे में बात करने वाले हैं, टाइप्स ऑफ हेक्सा, टाइप्स ऑफ हेक्सा ब्लेड के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। टाइप्स ऑफ हेक्सा ब्लेड हमारा क्या है, तो टाइप्स ऑफ हेक्सा ब्लेड हम लोग जनरली दो प्रकार के ब्लेड हम लोग साधारणतया कार्य में लेते हैं, कौन कौन सा, फ्लेक्सिबल और ओवर हार्ड। दूसरा हमारा हो गया ऑल हार्ड, फ्लेक्सिबल, और दूसरा हमारा क्या हो गया, फ्लेक्सिबल और दूसरा ऑल हार्ड। लेकिन हमारा ये क्या होता है, चार टाइप में ब्लेड हमारा क्या होता है पाया जाता है, कौन कौन, पहला हो जाता है हमारा फ्लेक्सिबल, ब्लेड, दूसरा हो गया ऑल हार्ड ब्लेड, ऑल हार्ड ब्लेड, ये चार प्रकार के हमारा ब्लेड पाया जाता है। लेकिन जनरली जो प्रयोग में लाया जाता है वो क्या होता है, दो प्रकार के, कौन कौन से, फ्लेक्सिबल और ऑल हार्ड ब्लेड साधारणतया कार्य में लाया जाता है। तो फ्लेक्सिबल ब्लेड हम लोग किसको बोलते हैं इसके बारे में हम लोग जानेंगे। इस प्रकार के हेक्सा ब्लेड केवल क्या होता है, हेक्सा ब्लेड केवल दांतों वाले क्या होता है, इसमें केवल दांतों वाले भाग ही हार्ड और टेम्पर किया जाता है। फ्लेक्सिबल ब्लेड जो होता है उसका सिर्फ दांत वाला भाग ही हार्ड और टेम्पर कर दिया जाता है, बाकी इसका पूरा बॉडी को सॉफ्ट छोड़ दिया जाता है। क्या किया जाता है, पूरा बॉडी को सॉफ्ट छोड़ दिया जाता है। बोलने का मतलब ये हो गया, जैसे ये है हमारा हेक्सा ब्लेड हो गया, इसका जैसे ये दांत है तो इसको ये दांत वाले भाग को सिर्फ हार्ड और टेम्पर, हार्ड और टेम्पर, हार्ड और टेम्पर किया जाता है, बाकी पूरे बॉडी को सॉफ्ट छोड़ दिया जाता है, पूरे बॉडी को सॉफ्ट छोड़ दिया जाता है, जिसके कारण क्या होता है उसमें फ्लेक्सिबल, फ्लेक्सिबिलिटी का गुण आ जाता है। ठीक है, सॉफ्ट और टफ रखा जाता है। टफ रखने के कारण क्या होगा, वो घिसेगा नहीं लेकिन वो क्या होगा, नरम रहेगा। ठीक है, जिससे क्या होता है, अच्छी ब्लेड क्या होता है, ब्लेड में बार बार झटका लगने के कारण वो ब्लेड झटका को सहन कर सकता है। इसमें क्या होगा, जैसे कभी हम लोग थोड़ा सा टेपर कटिंग सात राउंड में कटिंग करते हैं, कटिंग करने के कारण क्या होगा, यहाँ पे थोड़ा सा टेपर आ रहा है, यहाँ से जब कटिंग करेंगे थोड़ा थोड़ा झटका भी लेते आएगा ना, तो झटका को अपने में एब्जॉर्ब कर लेगा, ये क्या होगा, ब्लेड हमारा क्या होगा, ब्लेड टूटेगा नहीं, ब्लेड हमारा दो बार में बटेगा नहीं, ये क्या होगा, फ्लेक्सिबल होने के कारण थोड़ा सा खुद को बेंड कर देगा और कार्य करते रहेगा। लेकिन वही जब हम लोग क्या करते हैं, ऑल हार्ड ब्लेड, ऑल हार्ड ब्लेड का मतलब क्या हो जाता है, इसमें ऑल हार्ड ब्लेड में जैसे ये हमारा ब्लेड हो गया, इसमें दो सेंटर को छोड़ के पूरे बॉडी को, पूरे बॉडी को हार्ड और टेम्पर कर दिया जाता है, पूरे बॉडी को ही क्या क्या किया जाता है, हार्ड और टेम्पर, पूरे बॉडी को ही क्या किया जाता है, हार्ड और टेम्पर कर दिया जाता है, जिसमें जिसके कारण इसमें झटका सहने की क्षमता नहीं होती है। थोड़ा सा भी झटका आने पर ये ब्लेड आपस में क्या होता है, क्रैक कर जाता है, ब्लेड आपस में टूट जाता है। इसमें क्या होता है, दोनों पिन के हॉल जो है, ये दोनों हॉल को छोड़ के हॉल के आगे से पूरे बॉडी को ही एकदम हार्ड और टेम्पर कर दिया जाता है, जिसके कारण थोड़ा सा भी झटका लगने पर हमारा ब्लेड क्या होता है,
टूट जाता है। तीसरा हो गया हमारा क्या होगा, फ्लेक्सिबल सेंटर। फ्लेक्सिबल सेंटर क्या होता है, इसमें क्या होता है, ब्लेड के दोनों सिरा और ब्लेड के पीछे सिरा, दोनों सिरा या फिर पीछे सिरा, मतलब नीचे वाले सिरे और ऊपर वाले सिरे को क्या किया जाता है, ब्लेड की लंबाई तक हार्ड कर दिया जाता है, बाकी भाग को क्या किया जाता है, स्प्रिंग टेम्पर करके छोड़ दिया जाता है। जैसे ऊपर का ये भाग को सिर्फ हार्ड किया जाता है और ये भाग को खाली हार्ड कर दिया जाता है। जैसे दूसरा पिक्चर से समझने की कोशिश करते हैं, ये हमारा एक्सल ब्लेड हो गया, लंबाई से इसका ऊपर वाला भाग को हार्ड कर दिया जाता है, नीचे वाले भाग को हार्ड कर दिया जाता है, बीच वाले पूरे बॉडी को स्प्रिंग टेम्पर, स्प्रिंग टेम्पर रख दिया जाता है, इसको पूरा क्या कहते हैं, हार्ड का टेम्पर। बीच वाले भाग को छोड़कर पूरे बॉडी को हार्ड और टेम्पर कर दिया जाता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, फ्लेक्सिबल सेंटर। मतलब सेंटर को ही सिर्फ फ्लेक्सिबल रखा जाता है, बाकी ऊपर और नीचे दोनों भाग को हार्ड और टेम्पर कर दिया जाता है, इसीलिए उसको हम लोग क्या बोलते हैं, फ्लेक्सिबल सेंटर। अब चलते हैं हम लोग स्प्रिंग बैक को देखते हैं, स्प्रिंग बैक में हमारा क्या होता है, स्प्रिंग बैक में हमारा क्या हो रहा है, इस प्रकार के ब्लेड में दांतों वाले भाग को क्या किया जाता है, हार्ड कर दिया जाता है, दांत वाले, जैसे ये दांत है, सिर्फ दांत वाले सिरे को हार्ड कर दिया जाता है, बाकी पूरे ब्लेड को इसमें सॉफ्ट छोड़ दिया जाता है, स्प्रिंग लेवल तक क्या किया जाता है, स्प्रिंग टेम्पर करके छोड़ दिया जाता है, जिसके कारण वो उसमें क्या होता है, स्प्रिंग बैक का गुण आ जाता है, ताकि झटका लगने पर भी वो ब्लेड टूटता नहीं है, झटका को आसानी से वो झेल लेता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्प्रिंग बैक बोलते हैं। और फ्लेक्सिबल सेंटर में क्या हो रहा था, फ्लेक्सिबल सेंटर में हमारा क्या होता है, इस प्रकार के ब्लेड के दोनों सिरों व फिर ब्लेड के पीछे सिरे को, दोनों सिरा, ब्लेड के दोनों सिरा, तो ये वाला सिरा, ये वाला सिरा, या फिर उसके पीछे वाले सिरे के, जैसे ये दांत कटा हुआ, इसके पीछे वाला सिरा ये हो गया, पीछे वाले सिरे को ब्लेड की लंबाई तक हार्ड और टेम्पर कर दिया जाता था, ताकि बाकी को इसमें क्या होता है, टीथ के पीछे वाला, जैसे ये दांत है, इसके पीछे वाले सिरे को हार्ड और टेम्पर दोनों में करते थे, किसमें, फ्लेक्सिबल में, और बाकी सिरे को छोड़ देते थे, लेकिन स्प्रिंग में क्या होता है, सिर्फ दांत को हार्ड और टेम्पर कर, बाकी को पूरा स्प्रिंग छोड़ दे रहे हैं, इसीलिए इसको हम लोग बोलते हैं फ्लेक्सिबल सेंटर। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं जो भी बताया क्लियर समझ में आ गया। आज का एक बार समरी को देख लेते हैं। सबसे पहले हम लोगों ने हेक्सा ब्लेड के बारे में जाना। हेक्सा ब्लेड क्या है, हेक्सा ब्लेड हमारा एक कटिंग टूल है, जिसको हम लोग क्या करते हैं, हेक्सो फ्रेम में होल्ड करके आसानी से कोई भी मटेरियल को दो या दो से अधिक भागों में कटिंग कर सकते हैं। ठीक है, उसका मटेरियल क्या था, हाई स्पीड स्टील था, हाई कार्बन स्टील था, लो एलॉय स्टील का बना के उसको हार्डनिंग और टेम्परिंग करके कटिंग ऑपरेशन करते थे। इसका स्पेसिफिकेशन में क्या था, इसको ब्लेड की लंबाई, चौड़ाई, मोटाई और पिच के अनुसार क्या होता है, ब्लेड का स्पेसिफिकेशन किया जाता था। ब्लेड हमारा जनरली 250 mm से लेकर के 300 mm तक की लंबाई में पाया जाता था, 13 mm से लेकर के 16 mm तक की चौड़ाई में पाया जाता था, और मोटाई में 0.6 से लेकर के 0.8 तक के थिकनेस का हमारा ये ब्लेड पाया जाता था, और पिच में 0.8 से लेकर के 1.8 तक के पिच के ब्लेड हमारा पाया जाता था। टाइप ऑफ हेक्सा ब्लेड में हमारा चार प्रकार के हो गया, फ्लेक्सिबल हेक्सा ब्लेड, ऑल हार्ड हेक्सा ब्लेड, फ्लेक्सिबल सेंटर और स्प्रिंग बैक। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं जो भी आज की क्लास में बताया अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। फिर मिलते हैं अगले क्लास में नए टॉपिक के साथ। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।